एक बार फिर से 1000 करोड़ रुपए का मामला सामने आया है भारत में, जो कि क्रिप्टो स्कैम के नाम से जाना जा रहा है। हालांकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट थी सिर्फ वही क्रिप्टोकरेंसीज में ली जा रही थी, लेकिन एक्चुअल में ये जो प्रोजेक्ट है ये एक तरीके से पोंजी स्कीम था, यानी कि मल्टीमीडिया नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिस पर ये प्रोजेक्ट बनाया गया था, जो कि 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों से पैसा इकट्ठा कर चुका था और ये लगभग 1000 करोड़ रुपये का डिपॉजिट बन चुका था। जी हाँ फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपने भी कुछ ऐसे ही टोकन में इन्वेस्ट किया हो, आपकी भी इन्वेस्टमेंट्स कुछ इस तरीके के टोकन में हो, लेकिन आपको इस चीज़ से कैसे बचना है वो मैं आपको बताऊंगा, और इसमें 1000 करोड़ रुपए का पैसा कैसे आया वो भी आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो। तो वीडियो पूरा देखते रहना, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हमेशा सबसे पहले पहुँच रहे। और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलने वाली हैं। तो अगर आप भी coinmarketcap.com के ऊपर जाते हो और यहाँ पे सर्च करते हो STA, तो STA के नाम से आपको यहाँ पे टोकन मिल जाएगा, जिसके अबाउट में सिर्फ इतना ही लिखा है कि ये एक वन स्टॉप सोलर टेक्नोलॉजी सर्विसेज है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आपको प्रॉफिट देने वाला है। करंटली अगर हम देखें कि ये कौन कौन सी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है, तो जनरली ऐसी एक्सचेंजेस के ऊपर होता है, यानी कि सिर्फ PancakeSwap और इसी के साथ LaTOKEN, कुछ 2 ही एक्सचेंजेस के ऊपर ये लिस्टेड था, और लगातार इसके प्राइस में गिरावट आती जा रही है। हम देख पा रहे कि इसकी वैल्यू $0.64 के आसपास चल रही थी, यानी कि 60 सेंट के आसपास चल रही थी, और अभी ये 10 सेंट के आसपास रह चुकी है, क्योंकि पिछले कुछ घंटों के अंदर ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि इतना बड़ा स्कैम किया गया इंडिया में, इंडियन जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, अब उनका पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा वो तो अलग बात है, लेकिन आप पहले यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये टोकन, ये प्रोजेक्ट्स किस तरीके से आते हैं और दिखते हैं। अब देखिए, ये प्रोजेक्ट आपको कॉइन मार्केट कैप के ऊपर दिख रहा है, ST के नाम से दिख रहा है, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अबाउट में जाएंगे तो कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लिस्टिंग इसकी कोई खास नहीं है, सिर्फ सबसे बड़ा इनके पास एक ही प्लस पॉइंट है कि कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आ चुका है। लेकिन इनकी अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चलते हैं, तो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लॉकचेन बेस्ड हाइपर लोकल सोलर इकोसिस्टम, और यहाँ पे माइनर्स दिए गए हैं कि आप माइनिंग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, वैल्यू दी गई है $1 के बदले में आप कितने ST टोकन्स ले सकते हैं। तो खास इन्फॉर्मेशन कुछ यहाँ नहीं है, सिर्फ सोलर टेक्नोलॉजीज की बात करी गई है, AI ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स की बात करी गई है। जनरली जब भी कोई ऐसी पोंजी स्कीम आती है तो उसमें सिर्फ ऐसी सिमिलर डिटेल्स रहती हैं, जैसे कि यहाँ पे टोकन एलोकेशन दिया गया और उसके बाद टोकन की डिटेल्स, एक्टिविटीज़, यानी कि ये आने वाले साल के अंदर क्या करने वाले हैं, सिर्फ 2022 तक का इन्होंने यहाँ पे रोड मैप शो किया हुआ है, उसके बाद का इन्होंने दिखाया नहीं हुआ। ST प्रोडक्ट्स में क्या दिया हुआ है, ST स्कैन, ST एक्सचेंज, यानी कि अपना एक्सचेंज रन करने वाले, कुछ ऐसा बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पे मेन जो है वो यही है कि यहाँ पे पू कॉइन, गेको टर्मिनल, कॉइन स्नाइपर, कॉइन हंटर, कुछ ऐसी जो कॉइन ट्रैकर्स हैं उनके ऊपर इसकी लिस्टिंग है, सिर्फ यही बताया हुआ है। अब हम चलते हैं यहाँ पे इनके ट्विटर के ऊपर, तो इसके ऊपर फॉलोअर्स 1700-1800 के आसपास हैं। एक ही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, वर्ल्ड्स बेस्ट ST कॉइन, बाय एंड सेल एंड अर्न मनी एवरी डे, यानी कि अगर आप बाय करते हो आपको होल्ड करने के ऊपर भी इसके ऊपर प्रॉफिट्स मिलते रहेंगे। लेकिन अब हम जानते हैं कि सामने क्या क्या आया है। तो एक्चुअल में यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो फर्म है ST टोकन के नाम से, ये हेडेड बाय हंगेरियन नेशनल डेविड जीज, जो कि इंडिया में विजिट किया जिन्होंने, और ओडिशा में इन्होंने सेटअप किया, मल्टीपल टाइम्स इन्होंने प्रमोट किया इस बिज़नेस को, और वो भी सामने आकर। एक और बड़ी चीज़ कि इन्होंने बड़ी बड़ी पार्टीज रखी अपनी मेंबर्स के लिए, ताकि वो लग्जरी होटल्स में आए, और बॉलीवुड स्टार्स को, मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी यहाँ पे बुलाया गया, सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर पब्लिसिटी करी गई, नए मेंबर्स को जोड़ा गया। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे क्या है कि क्यों ये चीज़ सामने आई है, क्यों ये कंपनी पकड़ी गई है, यहाँ पे बताया हुआ कि इनको परमिशन नहीं थी RBI से कि ये इन्वेस्टमेंट्स को ले पाएं। तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग EOW ने यहाँ पे केस किया इस कंपनी के ऊपर, और ये तब किया गया जब इनको इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले कि ये कंपनी पैसा लूट रही है लोगों से, और इन्होंने यही बताया कि रेगुलर बेसिस पर आपको डेली बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं, $20 से $3,000 पर डे अर्निंग का यहाँ पे दावा किया गया। इसी के साथ और भी बोनसेस, रॉयल्टीज़ की बात करी गई कि जितने भी नए मेंबर्स आप जोड़ते हो आपका रैंक जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा तो उतना ही बड़ा आपको बैज मिलेगा और आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे STA टोकन का मतलब यहाँ पे इन्होंने दिया कि सोलर टेक्नो अलायंस, और ये इलीगल मल्टी लेवल मार्केटिंग के चक्कर में फंस गए बहुत सारे लोग, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मनी सर्कुलेशन करी जा रही थी, RBI ने परमिशन नहीं दी, और कंपनी के जो कंट्री चीफ हैं गुरतेज सिंह सिद्धू तो ये सामने आए, और ओडिशा के हेड जन निरोद दास तो इनका भी बीच में नाम आया। तो ये मंडे यानी कि कल के दिन ये सब कुछ पूरा के पूरा मामला सामने आया है, और बताया जा रहा है कि ये जो गुरतेज सिंह सिद्धू थे ये फरीदकोट पंजाब से हैं, और इनको अरेस्ट किया गया श्रीगंगानगर राजस्थान से, और जहां 1000 करोड़ रुपए जो इकट्ठे किए गए उनमें से 30 करोड़ इन्होंने लगभग 10,000 लोगों से लिए, जो कि डायरेक्टली इन्होंने बैंक अकाउंट में लिए।
जो कि अलग अलग सिटी से अलग अलग स्टेट से इन्होंने लिए, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, असम, मध्य प्रदेश, इन सभी स्टेट्स में से पैसा इकट्ठा किया गया था। और कंपनी ने यहाँ पे ये बताया कि ये IT enabled services के साथ काम करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं सोलर टेक्नोलॉजीज़ को, और अभी ये प्रमोट कर रहे हैं ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजेस को। और इसी दौरान इन्होंने 15 करोड़ रुपए क्रेडिट किए दो अकाउंट्स में, 15-15 करोड़ की यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुई दास के अकाउंट में, जो कि हैं ओडिशा के हेड। तो ये जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में इतना ज़्यादा पैसा डाला गया, जिस कारण जब करोड़ों की ट्रांजैक्शन होती है तो ये मामला सामने आ गया, यानी कि इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन इन्होंने करी और वो भी इलीगल वे में, बिल्कुल गलत तरीके से पैसा इकट्ठा किया गया, तो ये सब कुछ सामने आ गया। ट्विटर के ऊपर एक ये वीडियो भी सामने आ रहा है जो कि शायद श्रीगंगानगर से, आप ये भी चेक कर सकते हैं, पुलिस के द्वारा यहाँ पे वीडियो है, ANI चैनल के द्वारा ये डाला गया है, तो आप जाकर चेक जरूर करें, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जब भी इन्वेस्ट करना है किसी भी टोकन में, तो वहाँ पे लालच में नहीं आना, इतने भी लालच में नहीं आना कि आपको डेली का रिटर्न मिलना शुरू हो जाए। अगर आपको ट्रेडिंग आती है, खुद ट्रेडिंग करें, खुद ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट कमाएं, फ्यूचर्स में करें, स्पॉट में करें, यानी कि अपना पैसा लगा के खुद अपने दिमाग से खेलें, ताकि आप अच्छे तरीके से अर्न कर पाएं, चाहे वो स्टॉक्स की बात है या फिर फॉरेक्स है या क्रिप्टोकरेंसीज है, कमोडिटीज़ हैं, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद करें, ताकि आपको प्रॉफिट, अपने ही प्रॉफिट मिले। दूसरी कंपनी आपको कैसे प्रॉफिट्स बनाकर दे रही है ये हमें नहीं पता, हो सकता है वो मनी सर्कुलेशन हो, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि क्रिप्टोकरेंसीज अच्छी एग्जिस्ट नहीं करती। पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छे बड़े से बड़े प्रोजेक्ट हैं जो कि बहुत बड़े सॉल्यूशंस लेकर आए हैं सारी कंट्रीज़ के लिए, सारी प्रॉब्लम्स के लिए, जो कि डिफाई के द्वारा हम आजकल यूज़ भी कर पा रहे हैं। तो हमेशा ऐसे टोकन से सावधान रहें और अच्छे टोकन्स में इन्वेस्ट करें। मैं आपको हमेशा कुछ ना कुछ अच्छे वीडियोस देता रहता हूं कि आपने किस टोकन में, किस कॉइन में इन्वेस्ट करना है, ताकि आपका कुछ शॉर्ट रन में अच्छा प्रॉफिट बन जाए, तो उन वीडियोस को हमेशा चेक करते रहना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें उनके साथ जो कि ऐसे टोकन्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिर MLM में इन्वेस्ट करते हैं। और इसी के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस हमेशा पहुंच रहें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।